तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्थ स्कोचर्स वुमेन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का दोस्तों जो 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं और इस मुकाबले में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि क्या हमें इस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वुमेन की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से बैट्समैन बॉलर या फिर ऑलराउंडर को बनना चाहिए ये भी हम लोग जानेंगे। तो गौर कीजिएगा दोस्तों ये जो मुकाबला है ये 5 नवंबर को दोस्तों दोपहर में 2:40 पर खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो WSEA ग्राउंड पर्थ में ये मुकाबला होगा। और इसी सीजन दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वोमेन की टीम एक मुकाबला इस ग्राउंड पर जीत भी चुकी है और ये इनका होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों टोटल वुमेन्स बिग बैश लीग के मुकाबले इस ग्राउंड पर 37 हुए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 16 बार और चेस करने वाली टीम 21 बार जीती है। तो इसे देखकर तो आपको लग रहा होगा कि चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो दोस्तों जीत रही है। तो इस मुकाबले में भी जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीतने के चांसेस ज्यादा रखेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 139-140 के आसपास देखने को मिलेगा और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स वोमेन का है 199 रन का। और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर देखिएगा तो खुद पर्थ स्कोचर्स का ही है 94 रन का। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डाले तो दोस्तों जो यहाँ पर अभी तक 37 मुकाबले हुए हैं उसमें से 23 मुकाबले लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको बॉलर्स को मदद मिलते हुए दिखेगी। और 23 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 9 बार, 170 और 190 के बीच में मात्र 2 बार और 190 के ऊपर भी मात्र 3 बार स्कोर गया है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिलने वाली है इस मुकाबले में। और ये है दोस्तों ग्राउंड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पर्थ स्कोचर्स वोमेन इस ग्राउंड पर एक मुकाबला जीत भी चुकी है और वो दोस्तों कुछ ही हफ्ते मतलब कुछ ही दिन पहले हुआ था। यहाँ पर ये इसी सीजन का है। पर्थ स्कोचर्स ने 122 रन का टारगेट दिया था और इस टारगेट को मेलबर्न स्टार चेज नहीं करने पाई। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि 122 रन का भी टारगेट चेज नहीं हो रहा है तो कितना बॉलर्स को मदद मिलने वाला है। और पर्थ स्कोचर्स वोमेन 13 रन से जीती थी जिसमें दोस्तों फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी उस मुकाबले में और स्पिनर्स को 8 विकेट, तो टोटल 17 विकेट मिली थी दोस्तों उस मुकाबले में। और उससे पहले जो 2 मुकाबले हुए हैं ये दोस्तों पिछले साल के हैं। और पिछले साल देखा जाए तो ब्रिस्बेन हीट 197 रन की टारगेट दी थी और ये टारगेट दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वोमेन चेज नहीं करने पाई। और ब्रिस्बेन हीट वोमेन 67 रन से जीती थी जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। और उससे पहले एक बार और दोस्तों ब्रिस्बेन हीट यहां पर दोस्तों 44 रन से जीती थी, सिडनी थंडर को हराई थी जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली थी। तो रिसेंट के 3 मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो 3 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 3 मुकाबले में बॉलर्स को मदद मिली है। और टोटल दोस्तों पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 28 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 17 विकेट, जो कि दर्शाता है कि इस ग्राउंड पर बॉलर्स पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय, जिसमें से दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 10 विकेट, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 17 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उसके स्पिनर्स के साथ साथ फास्ट बॉलर पर भी फोकस करना है और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उस पर दोस्तों देख सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में बहुत ही ज्यादा फास्ट बॉलर को मदद मिली है तो सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में 20 मुकाबले हुए हैं जिसमें से पर्थ स्कोचर्स वोमेन 8 बार बाजी मारी है और ब्रिस्बेन हीट वोमेन 12 बार। और इस सीजन दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वोमेन 2 मुकाबले खेली है, एक मुकाबला शुरुआती का जीती थी, पिछला मुकाबला हार करा रही है। और ब्रिस्बेन हीट वोमेन दोस्तों अभी तक इस सीजन 3 मुकाबले खेली है, शुरू का 2 मुकाबला जीती थी लेकिन पिछला मुकाबला ये भी अपना हार कर आ रहे हैं। तो दोस्तों कांटे के टक्कर तो आपको देखने को मिलेगी ही क्योंकि दोनों टीम्स जीतने चाहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में पर्थ स्कोचर्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से न्यूजीलैंड की जो बेहतरीन कप्तान है जो कि इस साल वर्ल्ड कप जीती थी सोफी डिवाइन वापसी कर चुकी है, पिछले मुकाबले में खेली थी, तो ये दोस्तों ओपनिंग करेंगी बेथ मोनी के साथ। और यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर पर इंडिया की तरफ से हेमलता
आपको खेलते हुए दिखती हैं। तो यहाँ पर इनको ऐड किया गया है प्लेइंग 11 में, तो तीसरे नंबर पर ये आएंगी, फिर चौथे नंबर पर दोस्तों एमी जोन्स, फिर एम हिंकली, फिर दोस्तों यहाँ पर चियोल पिपरॉय, फिर दोस्तों एनला किंग जो कि अच्छे फॉर्म में है, फिर यहाँ पर इंग्सवर्थ, फिर यहाँ पर एमी इडगर, फिर यहाँ पर लिली मिल्स और यहाँ पर इबोन हॉस्किन। तो प्लेइंग 11 ये रहने वाली है और इनकी दोस्तों लगभग बेस्ट प्लेइंग 11 यही रहेगी, भले ही पिछला मुकाबला हारी है ये टीम, लेकिन कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पावर प्ले में दोस्तों इनकी तरफ से एंसवर्थ बॉलिंग कराएंगी, अलाना किंग और यहाँ पर इनका साथ निभाने आएंगी दोस्तों यहाँ पर हॉस्किंग, और आखिरी ओवर में अलाना किंग और यहाँ पर एमी एडगार्ड बॉलिंग कराएंगे। तो इनकी जो मेन बॉलर है वो दोस्तों अलाना किंग है जो कि बहुत ही अभी अच्छे फॉर्म में है। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी बैटिंग लाइनअप और प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आपको मिलती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो बेथ मोनी पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी खेली है और उससे पहले 31 रन की, रिसेंट में भी दोस्तों 44 रन, फिर 40 रन, 43 रन, 50 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। तो बेथ मोनी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन रहेंगी और सेफ ऑप्शन रहेंगी, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनको स्टार्ट अच्छा मिला है, भले ही लंबी पारी उतना ना खेली हो लेकिन इस मुकाबले में खेल सकती हैं। सोफी डिवाइन की बात करें तो इनकी तो दोस्तों बात ही अलग है, ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, क्योंकि मिनिमम 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगी, टॉप ऑर्डर में ओपनिंग भी करेंगी। पिछले मुकाबले में 22 रन की पारी खेली थी, विकेट नहीं मिला था, लेकिन रिसेंट में वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस उतना दोस्तों प्रभावित करने वाला नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड को जिताई है T20 वर्ल्ड कप, तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। रिसेंट में इनका बेस्ट स्कोर है 57 रन नॉट आउट और 24 रन का। पिछले मुकाबले में भी बॉलिंग से अगर विकेट इनको मिल जाता तो अच्छा खासा पॉइंट हो जाता, लेकिन हालांकि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों टॉप के इन दोनों प्लेयर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों मिडल ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों मिडल ऑर्डर से आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगी 3-4 ऑप्शन, डी हेमलता, एमी जोन्स। तो एमी जोन्स थोड़े बहुत अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो पिछले पहले मुकाबले में 7 रन की पारी खेली, पहले मुकाबले में 30 रन और पिछले मुकाबले में 7 रन। रिसेंट में देखा जाए तो 39 रन, 67 रन, 36 रन, 26 रन, 36 रन, 19 रन, 12 रन की ये पारी खेली है। तो लगभग दोस्तों ये इस मुकाबले में 15 से 20 रन की पारी खेल सकती हैं। और डी हमलता की बात करें तो पिछले मुकाबले में 13 रन और इंडिया के साथ जब खेल रही थी तो दोस्तों 47 रन और 37 रन का इनका बेस्ट स्कोर है रिसेंट में। तो ये दोनों को आपको तभी लेना है जब दोस्तों पर्थ अचकोचर्स की टीम पहले बैटिंग करे, तब दोस्तों आपको डी हेमलता और एमी जोन्स पर फोकस करना है, क्योंकि ये लोग उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और आपको इनसे भी बेहतर खिलाड़ी देखने को मिलेंगी जो कि इनसे ज़्यादा पॉइंट देंगी, तो हम लोग क्यों ना उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो इन दोनों को आपको पहले बैटिंग करते समय ही केवल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर एम हिंकली की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही देखा जाए तो खराब है, पिछले मुकाबले में 20 रन और रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। और पहले मुकाबले में तो 1 रन की ये पारी खेली थी। फिर चियोल पिपराव की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हो गई थी और उससे पहले 23 रन की पारी खेली थी, रिसेंट में भी ज़्यादातर मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं, केवल एक मुकाबले में 82 रन की ये पारी खेली है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टॉप के दोस्तों दोनों खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी दोस्तों जो बीच के यहाँ पर आपको चार खिलाड़ी दिख रही हैं ये उतनी प्रभावित नहीं करेंगी। तो इन दोस्तों बीच में जो 4 खिलाड़ी हैं, डी हेमलता से लेकर यहाँ पर एमी जोन्स, एम हिंकली और चोल पिपरायो, इन चारों पर आपको ना के बराबर फोकस करना है। और आप लोग अगर इनमें से लेना भी चाहते हैं तब अगर पर्थ कोचर्स की टीम पहले बैटिंग करे तभी आपको लेना है। अब दोस्तों डायरेक्ट आपको फोकस करना है यहाँ पर अलाना किंग के ऊपर, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग भी कर रही है, बॉलिंग से भी अच्छी फॉर्म में है और पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेली, 2 विकेट ली हैं और पहले मुकाबले में 3 रन की, रिसेंट में भी 3 विकेट ली हैं दोस्तों, 2 विकेट और 1 विकेट, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय और ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाली है। और फिर यहाँ पर एनिसिंगवर्थ की बात करें तो पिछले मुकाबले में 10 रन की पारी खेली, लेकिन उससे पहले 10 रन, 2 विकेट की पारी खेली है, रिसेंट फॉर्म इनका उतना बेहतर नहीं है लेकिन बहुत पहले लगातार 2 मुकाबले में 2-2 विकेट ली थी। तो बॉलिंग सेक्शन से आपके पास यहाँ पर 2 दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं इस मुकाबले के लिए, जिनका नाम है दोस्तों यहाँ पर अलाना किंग और यहाँ पर सी एनिंगवर्थ।
इन दोनों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि ये दोस्तों बॉलर हैं जो कि आपको विकेट टेकर बॉलर हैं, तो ये विकेट दिलाकर देंगी। फिर एमी इडगर्ट की बात करें जो कि ऑलराउंडर हैं, पिछले दो मुकाबले में मात्र इनको एक ही विकेट मिली है, बैटिंग से तो फ्लॉपी हुई है। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, लेकिन रिसेंट में ये पहले आती थी बैटिंग करने, लेकिन अभी इनका बैटिंग पोजिशन 9वें नंबर पर है, तो इनके ऊपर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पर लिली मिल्स की बात करें तो लिली मिल्स को पिछले दो मुकाबले में दो विकेट मिली है, और इबॉन हॉस्किन को दोस्तों पिछले दो मुकाबले में दो विकेट। तो दोस्तों इन दोनों पर आपको खासा केवल मेगा ग्राइंडिंग में फोकस करना है, और अगर पर्थ स्कोचर्स की टीम टॉस जीतकर पहले मान कर चलिए बॉलिंग करती है, तब इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग में। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग पूरा स्टैट्स देखिएगा तो आपके पास केवल चार ही प्लेयर हैं, बेथ मोनी, सोफी डिवाइन टॉप ऑर्डर से, फिर दोस्तों अलाना किंग और यहाँ पर सी एनसिंगवर्थ। इन चारों को छोड़कर बाकी सारे खिलाड़ी थोड़े डाउटफुल हैं, तो इधर से आपको चार खिलाड़ी पर फोकस करना है। और अगर आप लोग टॉस के हिसाब से थोड़ा रोटेट करना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाइयों अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो फटाफट से जुड़ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अब क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ देखा जाए बेंच पे जो प्लेयर बैठे हुए हैं, तो मैडी डार्क की जगह पिछले मुकाबले में दोस्तों बदलाव हुआ था, मैडी डार्क और यहाँ पर लिसोन नहीं खेली थी, तो इस मुकाबले में भी अगर बदलाव होता है तो मिडिल ऑर्डर का जो मैंने आपको बैटिंग लाइनअप दिखाई, जो कि मैंने बोला कि नहीं लेने के लिए, उनमें से ही चेंजेस होगा, नहीं तो ना के बराबर चेंजेस हो सकता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, तक कि दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वोमेन का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है ब्रिस्बेन हीट वोमेन के खिलाफ। तो देखा जाए बेथ मूनी 9 मुकाबले खेली है, 275 रन बनाई है, 30 का एवरेज है। सोफी डिवाइन 18 मुकाबले में लगभग 450 रन बनाई है, 24 का एवरेज है, और 12 विकेट ली है। तो दोस्तों जो टॉप के दो खिलाड़ी हैं इन दोनों पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है, यही दोनों आपको मैक्सिमम पॉइंट दिलाएंगे। हेमलता का रिकॉर्ड नहीं है, एमी जोन्स का बेहतर है, 24 का एवरेज है, हिंकली का 28 का है, तो इन दोनों को आपको तभी लेना है जब दोस्तों यहाँ पर टीम पहले बैटिंग कर रहे पर्थ स्कोचर्स की, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, लेकिन हेड टू हेड थोड़ा प्रभावित कर रहा है, तो पहले बैटिंग करते समय इन दोनों पर फोकस कर सकते हैं। चियोल पेपरायो का मात्र 14 का है, तो उतनी अच्छी नहीं है। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो अलाना किंग का देख सकते हैं 17 मुकाबले में 21 विकेट, तो एक्सपीरियंस वाइज भी बेहतर है। चियोल एनसिंगवर्थ 3 मुकाबले में 3 विकेट, एमी एडगार 3 में 4 विकेट, लिली माइल्स 4 मुकाबले में 6 विकेट। तो दोस्तों जो बॉलिंग से सेफ ऑप्शन रहेंगी वो दोस्तों यहाँ पर अलाना किंग रहेंगी, चियोल एनसिंगवर्थ रहेंगी, बाकी दोस्तों बॉलर्स को आपको उतना फोकस नहीं करना है। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत ग्रैंड लीग में जाना चाहते हैं तो लिली माइल्स को ले सकते हैं, क्योंकि 2 मुकाबले में इन्होंने 6 विकेट लिया है। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद पिछला मुकाबला ये हार करा रही हैं, तो इधर से दोस्तों बदलाव होने के चांसेस तो कम ही हैं। पिछले मुकाबले में जमीमा रोजर्स को खिलाया गया था तीसरे नंबर पर, और इस मुकाबले में भी ये खेलेंगी, ओपनिंग ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमाइनी ही करेंगी, तीसरे नंबर पर कप्तान जेस जोनासन आएंगे, फिर चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, और पिछले मुकाबले में लॉरा हैरिस को पहले भेजा गया था बैटिंग करने जो कि अच्छे फॉर्म में है, फिर नैंडी डी क्लर्क आएंगे, फिर यहाँ पर सियाना जिंजर, फिर शिखा पांडे, ग्रेस पैरसन, फिर दोस्तों निकोला हैंको। तो प्लेइंग 11 लगभग इनकी यही रहेगी, शुरुआती दौर से यही चली आ रही है, और यहाँ पर पावर प्ले में हैंकॉक, शिखा पांडे और एस जिंजर आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगी, मैक्सिमम यही बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी ओवर में चार्ली नॉट और जेस जोनासन पिछले मुकाबले में बॉलिंग कराई थी दोस्तों। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर ब्रिस्बेन हिट की प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग लाइनअप। अब इनके रिसेंट फॉर्म का देखा जाए तो इनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा, और इधर से टॉप ऑर्डर के सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो इन इस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट का भी जीतने का चांसेस अच्छा है, क्योंकि इस ग्राउंड पर ये अच्छा खेलती हैं और हेड टू हेड भी थोड़ा बहुत बेहतर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेस हैरिस पिछले मुकाबले में 75 रन की पारी खेली है, और उससे पहले 6 रन और पहले मुकाबले में 29 रन, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, 47 रन 40 रन का बेस्ट स्कोर है। रेडमाइनी भी दोस्तों पिछले मुकाबले में 19 रन, फिर 44 रन और 11 रन, रिसेंट में भी 96 रन, 35 रन, 41 रन, तो दोनों ओपनर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, तो ये दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं, तो इन दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों इंडियन यहाँ पर बैट्समैन जमीमा रोजर्स, जो कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बैटिंग करेंगी, पिछले मुकाबले में आते के साथ ही अपना दोस्तों दिखा दी है कि अच्छे फॉर्म में है, 45 रन की ये पारी खेली है, और रिसेंट में भी देखिएगा तो इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, 53 रन, 28 रन, 29 रन, 52 रन, फिर 23 रन, 16 रन, 16 रन। और मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिया की तरफ से जब ये खेलती थी तो बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत नीचे रहता था, ये बहुत ही प्रभावित दोस्तों प्लेयर हैं,
तो अगर ये पहले बैटिंग करती हैं फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस मुकाबले में आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है, ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। अब दोस्तों बात आ जाती है मिडल ऑर्डर से, तो मिडल ऑर्डर से दोस्तों पिछले मुकाबले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ली नोट को पहले भेजा गया, लॉरा हैरिस को दोस्तों पहले भेजा गया था बैटिंग करने, और लॉरा हैरिस दोस्तों 21 रन की पारी खेली है, और उससे पहले 31 रन की रिसेंट में भी परफॉर्मेंस इनका देखा जाए तो उतना प्रभावित करने वाला नहीं है। तो लॉरा हैरिस को आप लोग चाहें तो दोस्तों ड्रॉप कर सकते हैं, भले ही थोड़ी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो लॉरा हैरिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोग के लिए जब दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की टीम पहले बैटिंग करे, चेस करते समय हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए। अब दोस्तों बात आ जाती है जेस जोनासन और चार्ली नॉट को लेकर, तो ये दोनों इस मुकाबले में बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जेस जोनासन भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई हो, बैटिंग से मात्र 2 रन, बॉलिंग से विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 25 रन 1 विकेट और 21 रन 1 विकेट की ये शानदार पारी खेल चुकी हैं, जिसमें अपनी टीम को भी जिताई थी, और रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत ही बेहतर है। चार्ली नॉट पिछले मुकाबले में 5 रन 1 विकेट और पहले मुकाबले में इनका बेस्ट स्कोर था 44 रन का, जो कि नॉट आउट रही थी। तो दोनों बहुत ही बेहतरीन हैं और मिडल ऑर्डर में पारी संभालती हैं, तो ये दोनों पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय, ये पूरी सेफ ऑप्शन रहेंगी। और टॉप के दोस्तों ये 3 खिलाड़ी, बीच में लॉरा हैरिस की बात करें तो लॉरा हैरिस को आपको पहले बैटिंग करते हुए लेना है, और जो यहाँ पर ट्रंप खिलाड़ी हैं वो दोस्तों जमीमा रोजर्स हैं, क्योंकि उनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। अब दोस्तों बात करें नैंडी डी क्लर्क, इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में देखा जाए तो पिछले 3 मुकाबले में मात्र इनको 1 ही विकेट मिली है, वो भी पिछले मुकाबले में। बैटिंग से तो दोस्तों उतना मौका मिल नहीं रहा, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, तो इनको आपको नहीं लेना है। और अगर आप लोग लेना भी चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ही लेना है, चेस करते समय इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। अब बात आ जाती है 4 मेन बॉलर के ऊपर, तो दोस्तों अगर मेन बॉलर से बात करें तो दोस्तों जो सबसे बेहतरीन फॉर्म में है बॉलिंग में, अगर दोस्तों सियाना जिंजर की बात करें तो फिलहाल तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा है इनका, अभी तक इनको 1 भी विकेट नहीं मिला है। तो सियाना जिंजर के ऊपर आपको नहीं फोकस करना है, आपको डायरेक्ट फोकस करना है दोस्तों यहाँ पर शिखा पांडे के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी तक दोस्तों 3 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिला है, ग्रेस पियर्सन को भी 4 विकेट मिला है। तो बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों 4 बॉलर में आपको जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो दोस्तों शिखा पांडे और ग्रेस पियर्सन रहेंगी, ये दोनों पर आपको फोकस करना है, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे, क्योंकि दोनों बॉलर्स दोस्तों 4-4 विकेट ले चुकी हैं अभी तक इस सीजन में। बाकी दोस्तों एक्सपीरियंस वाइज जाइएगा ग्रैंड लीग में तो निकोला हैंकॉक के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक केवल इनको 2 ही मुकाबले में विकेट मिली है, रिसेंट फॉर्म तो अच्छा है ही। तो यहाँ पर आप लोग ट्रंप प्लेयर खोज रहे हैं बॉलिंग सेक्शन से ब्रिस्बेन हिट की तरफ से, तो निकोला हैंकॉक आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिला सकती हैं, तो इनके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। बाकी जो सेफ ऑप्शन रहेंगी वो शिखा पांडे और ग्रेस पियर्सन रहेंगी, और जिंजर को तो दोस्तों विकेट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इनसे दूर ही रहिएगा तभी दोस्तों बेहतर रहेगा, क्योंकि इनको अगर आप लोग लेते हैं तो हो सकता है ये आपको उतना पॉइंट ना दिलाएं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई है, तो पिछले मुकाबले में दोस्तों विनफील्ड हिल की जगह पर खिलाया गया था जमीमा रोजर्स को, जो कि अच्छा मूव था, वो अच्छी फॉर्म में है, तो बाकी कोई भी यहाँ पर बदलाव होने के चांसेस कम है। डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि ब्रिस्बेन हीट वुमेन का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है पर्थ स्कोचर्स वुमेन के खिलाफ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए ग्रेस हैरिस दिखेंगी, और इनका हेड टू हेड देखिएगा तो 15 मुकाबले में लगभग 480 रन बनाई है, 32 कैवरेज के साथ 9 विकेट मिली है, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। रेडमाइनी का भी दोस्तों 36 कैवरेज है, 441 रन है, तो दोनों ओपनर्स का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतर है और हेड टू हेड भी बेहतर है, तो इन दोनों को तो आपको लेना ही है। जमीमा रोजर्स उतना ज्यादा मैचेस नहीं खेली है, मात्र 2 ही मैच खेली है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर जमीमा रोजर्स को भी आपको लेना है। चार्ली नोट का भी रिकॉर्ड बेहतर है, 21 का एवरेज है, 26 विकेट ली है मात्र 20 मुकाबले में। जेस जोनासन और चार्ली नोट का रिकॉर्ड देखिएगा तो इतना प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन चार्ली नोट को आप लोग ले सकते हैं। बाकी दोस्तों लॉरा हैरिस की बात करें तो लॉरा हैरिस का रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है और एवरेज भी 217 का है, तो अगर दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग लॉरा हैरिस के ऊपर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग इनको भी ड्रॉप कर दीजिएगा। एंडी क्लर्क को तो लेने का चांसेस नहीं है। बॉलिंग में दोस्तों निकोला हैंकॉक का केवल रिकॉर्ड है, जो कि 16 मुकाबले में 17 विकेट ली है, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो भले ही विकेट ना मिल रही हो लेकिन जब भी विकेट लेंगे 3-4 विकेट अकेले अपने दम पर ले सकती हैं, तो निकोला हैंकॉक को आपको ग्रैंड लीग में फोकस करना है टीम बनाते समय। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 टीम मिलेगी, पहली टीम हमारी सेफ टीम रहेगी, जो भी भाई हो बिल्कुल सेफ टीम चाहते हैं, रिक्स नहीं लेना चाहते हैं, ये उनके लिए है, और दूसरी टीम हमारी दोस्तों स्पेशल ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, जिसमें मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम दूंगा,
अब दोस्तों पहली टीम में जो हमारी कप्तान रहेंगी वो दोस्तों सोफी डिवाइन रहेंगी और वाइस कप्तान जेस जोनासन। और यहाँ पर आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों सोफी डिवाइन को कप्तान इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इनका कॉन्फिडेंट तो बहुत हाई है ही, वर्ल्ड कप जिता कर आई है, 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगी और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी। विकेट कीपर से मैं रेडमाइनी को लिया हूँ, बेथ मोनी को, इधर चमिमा रोजेस और ग्रेस हैरिस को, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से चार्ली नॉट को, सोफी डिवाइन को, जेस जोनासन को, अलाना किंग, ग्रेस पियर्सन, शिखा पांडे और यहाँ पर एनसिंगवर्थ। तो जो जो खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको एनालिसिस में बताया वो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, सारे आपको इस टीम में दिख जाएंगी क्योंकि ये जो टीम है ये दोस्तों पूरी सेफ टीम है। तो सेफ टीम में आपको सेफ खिलाड़ियां ही दिखेंगी जो कि रिसेंट में अभी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही हैं। कोई भी दोस्तों मैंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया है। चारों बॉलर देखिएगा तो रिसेंट में बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, एनसिंगवर्थ और अनाला किंग दोस्तों यहाँ पर पर्थ कोचर्स की तरफ से, शिखा पांडे, ग्रेस पियर्सन जो कि अभी मैंने तुरंत बताया ये दोस्तों सेफ रहेंगी। बाकी तीनों मैंने ऑलराउंडर को लिया है, 2 बैट्समैन और 2 विकेटकीपर। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम जो कि सेफ टीम है। अब दोस्तों उन लोगों की बात करें जो ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हैं और बिल्कुल रिक्स लेने के लिए बेबाक हैं, तो दोस्तों ये उनके लिए टीम है। कप्तान यहाँ पर जेस जोनासन रहेंगी, वाइस कप्तान यहाँ पर अलाना किंग रहने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं लिया हूँ डी हेमलता को, और यहाँ पर दोस्तों डी हेमलता को लेने के बाद नीचे से दोस्तों यहाँ पर मैं लिया हूँ निकोला हैंकॉक को। तो दोस्तों यहाँ पर दो मैंने ऐसे प्लेयर को लिया है जिनको दोस्तों बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो यहाँ पर निकोला हैंकॉक और डी हेमलता, ये इस मुकाबले में ट्रंप प्लेयर हो सकती हैं क्योंकि डी हेमलता के पास भी क्षमता बहुत ही अच्छा है और बैटिंग भी दोस्तों पोजिशन बहुत अच्छा है और निकोला हैंकॉक का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो उसके बेसिस पर मैंने इन दोनों को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखा है। बाकी मेरी विकेट कीपर वही रहेंगी, ग्रेस हैरिस और जमीमा रोजर्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और ऑलराउंडर सेक्शन से मैं यहाँ पर केवल 2 ऑलराउंडर सोफी डिवाइन और जेस जोनासन को लिया हूँ, और अनलॉकिंग हमारी वाइस कप्टन रहेंगी शिखा पांडे और सी एसिंगवर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम में केवल मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा सा अलग किया है और बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर निकोला हैंकॉक और डी हेमलता के ऊपर रिक्स ले रहा हूँ। बाकी मेरी पूरी यहाँ पर जो 9 प्लेयर हैं सारी सेफ टीम रहेगी क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि सारे खिलाड़ी ही रिक्स ही ले लेना है, कुछ कुछ खिलाड़ी आपको रिक्स लेना है, बाकी मैक्सिमम सेफ प्लेयर ही लेने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ये हो गई हमारी सेफ टीम, ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।